कुछ कहानी कह रहा बा, एक्शन में जो अंतर आई बा वो कह रहा बा। एक बाद आरसीपी सिंह वाला मामला तू सुनबे कैल मीटिंग कैल तो क्या हो जा उप मुख्यमंत्री के ना भइल चाहत होला निश्चित रूप से रहल चाहत होला। तो खैर एह जो तरह नजर आई कि केहू ना रहे, एकरा अलावे और भी कई गो कहल रहन कि ना पैसा बा ना रुपया बा कुछ एक लगे नहीं खे, वो तो अभी और कुछ कहल चाहत रहन लेकिन बगल वाला लोग गोड़ हाथ जात दे कि भाई अब रहे तो रहे देखो सैन्य हो जाला, वो अपना हिसाब से अपन लेवे लगी फैसला। जीतन राम मांझी तो बहुत लंबा समय हो गई, अब ऐसा स्थिति में विशेषता बा कि क्षेत्रीय दल अपना परिवार से बाहर तब निकली जब परिवार में माने तहरा खैला से बेसी हो तब क्यों के तू देव पहले अपने से हप चल उहे स्थिति बा क्षेत्रीय कह दिले है। तो एक सब से बचे खातिर कहीं ना कहीं ये रास्ता अपनाओल गई बा कि तू ये बात के समझ जा और दुकानदार भी ये बात के समझ जा कि हमारा कौना तरीका से काम करे के। नमस्कार प्रणाम गोरलातनी, एक बार फिर से रोड़ा सबके स्वागत बा आपन चर्चित कार्यक्रम खूंटा पर। देखिए खूंटा पर चर्चा होता बिहार के राजनीति परिदृश्य में का होता का चलता, केकर बयान से का मायने निकली, का आगे वाला वक्त में 2025 में कुछ बड़ा बदलाव हुई बिहार में। उससे पहले बता दी कि खूंटा पर लगातार बाबा आप सबसे जुड़े नहीं बातचीत करे नहीं, जितना हो सके खूंटा के शेयर कैल करी, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं की के लिए तो सब्सक्राइब जरूर करी। चलिए खूंटा पर आज जो विषय पर चर्चा होके जा रहा बा वो विषय ई बा कि एनडीए में खटपट शुरू, माझी के हुनकार, यूपी वाला फॉर्मूला पर चली बिहार, नीतीश लाचार। एनडीए में खटपट शुरू हो गई कैसे, एक एक प्रश्न के जवाब ले हल। एनडीए में खटपट शुरू बा कैसे बाबा, एनडीए तो मजबूत बा, मोदी जी मजबूत बड़े। देखो जो हमनी के लगातार कई दिन से खबर कर रहा जा, वो खबर के दू गो एंगल बा। एगो एंगल तो ये बा कि का नीतीश कुमार में इतना शक्ति बा, इतना उनका लगे अंक गणित के हिसाब किताब बा कि केंद्र के सरकार के गिरा सकेले। तो यहीजा आकर के सब बात शून्य हो जाता कि इनका 12 गो के हटला से कोनो असर ना पड़ी। और इहो कोनो जरूरी नहीं है कि उनका 12 गो उन्हें बा कि नहीं है उनका कस में, एकरा के लेकर के भी सवाल चल रहा बा। दूसर का तरफ सवाल चल रहा बा कि का भारतीय जनता पार्टी अब तो चुनाव खत्म हो गई, अब तो भारतीय जनता पार्टी के एक बात के डर नहीं कर डैमेज कर देव तरह से सरकारों नहीं खेल गिरत। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा जरूर करी जौन से तू ऐसा काम करिए मत सक। एकरा में भारतीय जनता पार्टी माहिर बा, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार पर कहीं दबाव के राजनीति तो नहीं है होत। और ये बात हम ये कहे खातिर ऐसे मजबूर हो जाता है या कि देखले हो 24 घंटा 48 घंटा के अंदर में जौन बयान में परिवर्तन भइल बा वो बहुत कुछ कहानी कह रहा बा, एक्शन में जौन अंतर आइल बा वो कह रहा बा। एक बाद आरसीपी सिंह वाला मामला तू सुनबे कैल, कल हमनी के खबर कहीं जा कि आरसीपी सिंह डायरी लेकर के बैठ गए बड़े, अब वो अपन निकाले के शुरू कर दिले बड़े फाइल सब, एगो इहो समस्या बा। तो ये सारा बात के लेकर के का नीतीश कुमार वो अवस्था में बड़न कि मने वो एनडीए में वर्चस्व या एनडीए में कोनो ऐसा बात कर सकस जौन से कि प्रभाव उनकर भारतीय जनता पार्टी पर जबरदस्त पड़े। दूसर का चीज कि तू देखले कि कई गो मीटिंग भइल लॉ एंड ऑर्डर, सिर्फ नीतीश कुमार के तो मामला हो ना, लॉ एंड ऑर्डर तो पूरा एनडीए गठबंधन के मामला बा, सरकार दोनों मिल के साथ चलावत रहन, अच्छा और बुरा दोनों एक दूसरे के झेलत रहन। तो ऐसा स्थिति में नीतीश कुमार जब लॉ एंड ऑर्डर पर मीटिंग कैले तो क्या हो जा उप मुख्यमंत्री के ना भइल चाहत होला निश्चित रूप से रहल चाहत होला। तो खैर एह जो तरह नजर आयल कि केहू ना रहे, एकरा अलावे और भी कई गो ऐसा मुद्दा बा जौन कि मजबूर करता ये बात कहे खातिर कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। नीतीश कुमार जी दू दिन पहले चिराग पासवान के सब कुछ कैले, दू दिन पहले तू खबर देखल कि अलॉटमेंट कैंसिल हो गई बंगला वाला, ये सब कुछ हो गई ओकरा पर बयान भी आ गई, और अचानक से तू देखला कि रात भर में नियम चेंज हो गए ओकरा खातिर अमेंडमेंट करके पास करा करके और बंगला पशुपति कुमार पारस के सुपुर्द कर दिया गई। मैंने एक नियम रहा कि 2 साल में रिन्यूअल कराए कर ला बंगला के, बिल्कुल, लेकिन अब 2 साल वाला नियम में बदल गई। हाँ 5 साल हो गए ओकरा के, ओकरा के कहीं ना कहीं उनका के दे दिया गई और 5 साल तक के वो जा बुक कर दिया गई, मैंने आए वाला अभी 3 साल फिर अब रिन्यूअल हो जाए फिर 5 साल खातिर उनका लगे हो गई। तो ये सारा मामला कहीं ना कहीं ये बात के तरफ इशारा कर रहा बात, चिराग पासवान के टीम से भी ये बात बयान आवे लागल रहे कि भाई बंगला हमनी के रहे हमनी के मिल जाए तो कोनो दिक्कत थोड़े बा, कितना लोग तो ओकरा में
फूल पत्ती लगावे के भी प्रोग्राम बना ले रहे, बैनर पोस्टर भी छपे लागे रहे कि कितना बड़ा साइज बताए से यो बताओ ना रे जी। इस सारा चीज लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के अचानक से ये परिवर्तन होना कुछ कहानी जरूर कहत। एकरा अलावे जीतन राम मांझी के तू देखले हो काल जोन उ बैठक करत रहन जोन उनकर हाँ मंत्री बनला पर जो उनका के अभिनंदन कल जात रहे ओकरा खातिर जो मीटिंग रहे, वो मीटिंग में बहुत सारा बात कहले। ओमें कुछ पॉइंट जोन बा बड़ा महत्वपूर्ण बार ई बात के इशारा कर रहा बा कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक होइबो करी तो नीतीश के और एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कारण कि जब जीतन राम मांझी के जरूरत का रहे बात फिर से उस कावला के गरल मुर्दा उखाड़े के लगले कहे कि हम एनडीए गठबंधन से बाहर चल गई रही, नीतीश कुमार से गई नहीं कहे खातिर, तो नीतीश कुमार हमारे कहले कि पटिए विलय कर लो ना आना तो जा पार्टी जा गठबंधन से बाहर, तो हम बाहर चले नहीं जी। वो कहले रहन कि ना पैसा बा ना रुपया बा कुछ एक लगे नहीं खे, वो तो अभी और कुछ कहल चाहत रहन लेकिन बगल वाला लोग गोड़ हाथ जात दे कि भाई अब रह दो रह दो। लेकिन सदन वाला बात याद जरूर आवत रुए कि सदन में जब जीतन राम मांझी कुछ कहले तो ओकरा पर नीतीश कुमार कहले कि आप लोग देख रहे हैं ना कैसे कर रहा है, इसको हम ही ना बनाए थे जी, तो हाँ इसको बना दिए उन लोग का बात कर रहा है, वो सब का बात कर रहा है, कुछ दे देगा सब, ए राज्यपाल इसको बना दो, राज्यपाल बना दो सब। मैंने ऐसा जो बात करते रहन वो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी करके भुलाए नहीं कहने। हालांकि ये बात भी सही बात जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री के कुर्सी तक बैठावे वाला नीतीश कुमार हवे, लेकिन एक मतलब ये ना होके कि अगर लड़का तरह से जन्म लेलस तो लड़का के तू अपना हिसाब से सब कुछ करबो, औकात दिखा देंगे। 18 साल के बाद तो लड़को सैन्य हो जाला, वो अपना हिसाब से अपन लेवे लगी फैसला। जीतन राम मांझी तो बहुत लंबा समय हो गई, अब ऐसा स्थिति में जीतन राम मांझी कहले कि कहत रहन कि पैसा रुपया कर लगे कर से पार्टी चली। आज स्थिति ही बा कि हम देख केंद्र में मंत्री बानी सांसद बन गई नहीं, बेटा जो एगो विभाग चलावत है तो दू को विभाग चलावता, बिल्कुल पहले 5 साल खातिर रहे, अब देखो माने लंबा समय तक ले और 6 साल खातिर विधान परिषद चल गई, यानी 2030 में जाकर के विधान परिषद के सदस्य रही, तो एक मतलब है कि 29 में चुनाव हो जाए, लगभग 30 में चुनाव हो जाए, तब जाकर के वो ये सारा बात कह करके कहीं ना कहीं लंबा टर्म अपना बेटा खाती देख ले और बेटा हाँ लड़ाई के फरम बढ़े। इस सारा चीज देखो, अब देखो क्षेत्रीय दल के ये विशेषता बा कि क्षेत्रीय दल अपना परिवार से बाहर तब निकली जब परिवार में माने तहरा खैला से बेसी हो तब ना केहू तू देव, पहले अपने से हप चल उहे स्थिति बा क्षेत्रीय दल के। खैर जीतन राम मांझी जो बात कहले उसे साफ साफ नजर आ रहा बा कि नीतीश कुमार के साथ भले हुए एनडीए में बावन लेकिन उनका रिश्ता मोदी से बहुत अलग तरीका से बा, और अब नीतीश कुमार के रडार से ना मोदी के रडार में उबालन और मोदी के ही गुणगान भक्ति करी हैं, करे के भी चाहिए उनका। इस सारा बात के लेकर के संतोष सुमन से भी तू इंटरव्यू ले रहा, बात भी कैले रहा, तो देखबे कैले कि संतोष सुमन भी डराए वाला स्थिति में ना रहन, जब उनका मिलल बा तौना खातिर वो ये समझाता रहे कि हम अधिकारी बनिए से हमारा मिलल बा, और वास्तविकता भी बा सरकार बचाव में कही हाली उनका भूमिका काम भी करते रहे, मतलब भूमिका भी उनका रहल बा युद्ध स्तर पर काम, बिल्कुल ए बीच में ये सारा चीज़ तो अपने जगह पर चलिए रहल बा, लेकिन एकरा आगे अगर तू बढ़ तो जन मांझी के हुंकार सुनला है, जन मांझी जन तरीका से बात की है वो साफ साफ, एक पहले भी तू देख लो बिहार के विशेष राज्य के दर्जा वाला कहे कि पत्थर पर कहे खाती माथा पटक रहो मिले उले वाला नहीं खे, और वह नीति आयोग के सदस्य भी हो गए बोलल है यहाँ बजे नीति आयोग के सदस्य के उनका लिस्ट जारी हुआ जान तरह की मिली उली ना हाँ, तब ए में जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं वो अंकुशी जरूर फंसा दिले बड़े, और ये अंकुशी वही तक नहीं के फसल, खास करके नीतीश कुमार के जो वर्तमान स्थिति बा वो कहीं ना कहीं ऐसा बुझा रहा बा कि नीतीश कुमार पूरी तरह से लाचार बड़े, बेचारा वाला स्थिति उनका नजर आ रहा बा। एकरा अलावे तो याद हुई तरह की बात कहले रही कि काल तक ली बात कहल जाता है कि नीतीश कुमार के बैसाखी पर मोदी प्रधानमंत्री बन, लेकिन आज ये बात लगभग खत्म बा समाप्त हो गई बा, कारण कि भारतीय जनता पार्टी के ये बात के एहसास हो गई बा कि अभी बहुत लोग बा जो साथ आवे खातिर तैयार बा, तैयार बाटे बिल्कुल, कई गो इंडिया गठबंधन में जो लोग बा वो अभी भी इंतजार करता है कि उन्हें से बोला हटा आओ तो हम आई, लेकिन एकरा साथ साथ अभी जो वर्तमान परिस्थिति बा नीतीश कुमार के उकसावे खातिर एगो और बड़का काम हो रहा बा कि तू देखले हो कि उत्तर प्रदेश में जो कांवर यात्रा बा ओकरा रास्ता में जितना भी खाए पिए वाला या
जोन भी दुकान बाड़ी से दुकान दौरी बाड़ी से सब पर लिखे को ही मालिक के नाम और वो हाँ ये ना डिस्प्ले पर खाली नामे ना गुड्डू मुड्डू ना लिखे के पड़ी पूरा जाति लिखा पूरा जाति सहित एक तरह से कि जो जाति सूचक होके कि हिंदू हो कि मुसलमान हो ये तो पता चल ही के चाहिए बाद और भी तहार डिस्क्रिप्शन का बा लगभग सब कुछ चाहिए एक अलावे पुलिस जोन बा घूम घूम करके तहार बायोडाटा भी ली पुलिस के कहना बा कि एक में सरकार के कोई नहीं है प्रशासन के अपन सचेत रहे वाला एक प्रक्रिया बा जना से कि अक्सर माने हो जाला उपद्रव हो जाला तो अक्सर हो जाला और कोई भी हिंदू जो कांवर लेके जाता रहे उनमें से कोनो उपद्रवी ऐसा ना होके कि कह दे कि आई मियाँ हवे हमारा के अथी कह दिले आई मुसलमान हवे हमारा के ई कह दिले हाँ तो एक सब से बचे खातिर कहीं ना कहीं ये रास्ता अपनावल गई बा कि तू ये बात के समझ जा और दुकानदार भी ये बात के समझ जा कि हमारा कौना तरीका से काम करे के बाद बात बड़ बढ़ले बा एक और फॉर्मूला बा सीएम के रिप्लेस करे के देखो सीएम के रिप्लेस करे वाला में बड़ा पेच बा ओकरा में तू समझ ल कि कोशिश तो बहुत भइल एगो बहुत महत्वपूर्ण बात आज से पाँच चार पाँच दिन पहले तरह से हम चर्चा में कैले रही कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले के जो तैयारी चल रहा बा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के बदले के तैयारी ए से अटकल जाता वो मामला अब तक ले तू देख ले कि सब हाली जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के केंद्रीय मंत्रिमंडल में या और कोई जिम्मेवारी दे दिया जाए तो तुरंत रिजाइन करके कार्यकारियों कम से कम बना देवे कोई के लेकिन अभी तक जेपी नड्डा लगे लगे बा तेकर मतलब तू समझते बाड़ा जेपी नड्डा ही उस शख्स हवे जो कहले रहन कि आरएसएस के हमनी के जरूरत नहीं खा सहूँ हमनी के चुनाव जीत लेब जा आरएसएस एक काफ़ी एक्शन में बा और आरएसएस से कहना बा कि अब की हाली जो अध्यक्ष हुई वो आरएसएस कैडर से ही हुई ये चलते ही मामला अजुराइल बा रुकल बड़ुए लेकिन एकरा अलावे अगर तू योगी के बात करता रहा तो योगी वाला में हम एगो खबर में कहले रही कि भले हमनी के चूँकि बिहार से हमनी के बेस्ट बन जा बिहार के ही राजनीति पर हमनी के ज़्यादा चर्चा करी ले जा यदा कदा बहुत कोई बड़ा घटना होला तो हमनी के चर्चा करी ले जा चुनाव के समय में योगी आदित्यनाथ के लेकर के उन जो हमनी के टीम गई रहे हो जैसे जो फीडबैक आई रहे ओकरा के लेकर के हम रही है इंतजार में मैंने मूड में कि हम एगो खबर करी उत्तर प्रदेश पर भी कि योगी आदित्यनाथ के काहे संटिंग मेरा चल गई बा जो बात हमारा बाद में बड़ा अफसोस भइल कि बात हमारे खबर पहले कह दिले रहती हमारा लगे इनपुट रहे भी कि योगी आदित्यनाथ के जो शक्ति बा ओकरा के संचित कर दिया गई रहे ओकरा के कम क के और वो जो प्रभारी बा उनका के प्रभार दिया गई रहे तो तू अपना हाँ तू अपना हिसाब से अपन एक्ट कर ओकरा में और भी मौर्य बान तो कौन बान हाँ उसारा लोग के जो बानू एक्शन में दे दिया गई रहे और योगी आदित्यनाथ के पावर कम करे के कोशिश कर गई रहे वही आधार पर जब इस चुनाव में कहल जा रहा जात रहे कि योगी आदित्यनाथ पर पूरा औगार आवे मतलब उनका के कटघरा में खड़ा कर जाओ जैसे देख लो कि 30 सीट जीतने के बाद भी 5 सीट अगर भारतीय जनता पार्टी हार गई तो सम्राट चौधरी कटघरा में खड़ा करे कोशिश कर जाता जबकि सम्राट चौधरी के मौका कितना मिला उनका के अधिकार कितना दिला उनका कितना खुल के काम कर दिला अपना हिसाब से तू एको के टिकट ना दे पौले ये सारा बात लेकर के उनकर वही योगी आदित्यनाथ के साथ भी यह बात रहे तो एक लेकर के कोशिश कर जाते रहे एगो माहौल बनावे के कि योगी आदित्यनाथ के रास्ता से हटा दिया जाओ लेकिन ऐसा संभव नहीं किया आर एस एस होके ना दिए ये सारा बात के लेकर के उत्तर प्रदेश से अगर आवो तो उत्तर प्रदेश में जो हम चर्चा करते नहीं है कांवर यात्रा के ओकरा के लेकर के चिराग पासवान होकस या फिर अन्य लोग होके जीतन राम मांझियों का समर्थन के लिए और सबसे पहले एक में विरोध प्रदर्शन करके अपन बयान दे करके केसी त्यागी ये बात के इशारा कर दिले कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मनसा का बा अभी भी कॉम्युनल और सेकुलर के लेकर के मन में कुछ बात जरूर बा नीतीश कुमार 1996 से भले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन में बाड़न लेकिन नीतीश कुमार अपना हिसाब से अपना शर्त पर राजनीति कैले बाड़े एकरा अलावे तो देखले हो कि अभी तक ले एनडीए गठबंधन में कोऑर्डिनेटर केहू नहीं है हालांकि कहा जाला कि अमित शाह सब कुछ देखता रहे सुनता रहे लेकिन विधिवत रूप से पदेन कोनो भी ओकरा में कोऑर्डिनेटर निकल नीतीश कुमार के बारे में कहल गई है याद हुई तारा चुनौवा के समय में कि उनका एक कोऑर्डिनेटर बनावल गई है और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के हिसाब से आगे सब कुछ हुई में जब आवत रहे नीतीश कुमार तब भी बात कहल गई है कोऑर्डिनेटर बनी है लेकिन एकरा से बहुत आगे बात बढ़ गई बा केसी त्यागी के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी एक्शन में आई बा एक्ट करे लागल बा और भारतीय जनता पार्टी के एक्ट के सबसे पहला भइल बा ई कि हरिभूषण ठाकुर बचौल कहले वाला है कि अरे ये तो उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया बात भइल ऐसा बिहारों में होके चाहिए क्योंकि कांवर यात्रा तो बिहारों में हुई और वही क्षेत्र में कांवर यात्रा जाए के भी बा तब बिहारों में व्यवस्था मुजफ्फरपुर में भी और जहाँ जहाँ कांवर यात्रा होला चाहे देवघर में होके
सुल्तानगंज में ओजो भागलपुर में जरूरत पड़े कांवर यात्रा के रास्ता पर चिट्ठी चिपकावे के होर्डिंग चिपकावे के तो सारा बात के लेकर के कहीं ना कहीं यूपी वाला फार्मूला बिहार में भी लागू करे के कोशिश हो रहा बा। लेकिन ये सारा बात के लेकर के कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आता कि नीतीश कुमार ये सारा विषय पर एकदम चुप्पी सर ले एक मतलब यह बुझाता कि नीतीश कुमार समझ गए बड़े कि अब उनका बोलला बतियावला में कुछ होके के नहीं खे कोनो फायदा नहीं खे। ये चलते नीतीश कुमार कहीं ना कहीं या तो लाचार होकर के या फिर सरेंडर करके। नीतीश कुमार एक तरफ जहाँ इतना मजबूती के साथ अपना सर पर 18-19 साल तक बिहार के चलावले अब वह नीतीश कुमार अपना सर पर चलावे में शायद अक्षम बढ़ और ये आगे देखे वाला बात हुई कि होत का बा। हालांकि 2025 के चुनाव से पहले बहुत कुछ कहल जा रहा बा, धीरे धीरे करके सब बात खुल के सामने आई। एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार पूरी तरह से एकदम अलग थलग पड़ गई बड़े, ये बात अब देखे सुने के समझे के मिल रहा बा। नीतीश कुमार अगर अलग थलग पड़ जी हैं तो एकर नतीजा जनता दल यूनाइटेड के निश्चित रूप से आवे वाला 2025 के चुनाव में भोगे के पड़ी। और इतने ना जो चार गो सीटवा पर होखे वाला चुनाव बनू उपचुनाव ओकरों में बहुत सारा चीज़ समझ में आई, कारण कि एक पर भी इशारा पहले से उपेंद्र कुशवाहा भी कर दिले बड़े, जीतन राम मांझी भी कर दिले बड़े और चिराग पासवान भी कैले बड़े। अब देखे वाला बात यह हुई कि जहाँ दूरी बढ़ रहा बा वो जे एक सामंजस्य बिठावे के सटावे के कोशिश कैसे हुई, कारण कि जब जब अमित शाह के एंट्री होला कोनो संबंध में तो या तो उस संबंध मजबूरी के हो जाला या फिर डर के हो जाला। देखे को ही कि नीतीश आजकल ना मजबूरी में कभी रहल बड़े ना डर से कभी रहल बड़े, तो आगे का करी आत्मसम्मान से समझौता बिल्कुल आगे का कर्ज करी। चलिए देखिए खूंटा में खूंटा ठोकाइल बिहार के साथ यूपी के भी राजनीति पर चर्चा भइल ह। बिहार झारखंड यूपी के तमाम विषय पर चर्चा खूंटा में ऐसे ही बाबा करत रह खूंटा ठोकात रही। कैसा लगल चर्चा जरूर बताई, अपन राय कमेंट में रखी और भोजपुरी में कमेंट कर करी ताकि फूटा के और ज़्यादा बढ़ावा और ज़्यादा मजबूती मिले। जो लोग अपना अपना भाषा में बोले ला हमने के भोजपुरिया लोग लजा ला लोग भाई लजाए के नहीं खे ही इतना तक गोतिया पटदार संगी सलेहर जे भी भाव से कहीं सब है कि भोजपुरी में यही रुआ पूरा राजनीतिक विश्लेषण भेटाई और कहीं ना भेटाई और नाचे गावे वाला तो कहीं भेटा जाइए। लेकिन अगर रुआ बिहार बिहार से प्रेम करी ले बिहार के बारे में जान चाहिए तो यही मंच पर यही खूंटा पर यही टेहा पर रुआ सब भेटाई खूंटा देखत रही। बहुत बहुत धन्यवाद।